الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صدق الله العلي العظيم یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری اڑائی طوطیوں نے قمریوں نے اندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغا میری ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستان میری میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستان کا میں وہ گل ہوں فضا ہر گل کی ہے گویا فضا میری آج دوسری مرتبہ 21 جنوری کے بعد 25 اگست کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سرزمین کامتی پر پھر جمع کیا لیکن آج کے اجتماع میں اور جنوری کے اجتماع میں فرق ہے میں نے دنیا کی صورت حال جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں 8 مہینے کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے آج آپ بینر پر اپنے شہر کی دیواروں میں لگے ہوئے پوسٹروں پر اشتہار کا عنوان آپ نے دیکھا ہوگا جس میں لکھا ہے فلسطین کے موجودہ حالات اور ان حالات میں عالم انسانیت کا کیا کردار ہونا چاہیے اس پر ہم آج گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے اس بار کی عید
मुसलमानों की ईद नहीं हुई और नहीं कहते कि आने वाले बकरीद तक और क्या हालात पैदा हो जाएंगे। रमजान की कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिसमें हम रोए ना हो, रमजान का कोई इफ्तार ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हम तड़पे ना हो। शबे कद्र से लेकर ईद की चांद रात तक और ईद की नमाज से लेकर के आज तक फलस्तीनियों का गम कम होने का नाम नहीं ले रहा, दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज भी फलस्तीन उसी तरह जख्मी है जिस तरह 7 जुलाई को जख्मी था। आज हम उस दौर में और जिंदगी के उस चौराहे पर खड़े हैं जहां हम गैरों को तो क्या कहें, जहां हम ईसाइयों की क्या शिकायत करें, जहां हम यहूदियों का क्या शिकवा करें, जहां हम अहले हुनूत को क्या कहें। अफसोस तो ये है, दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। अफसोस ये है कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। यानी अल्लामा इकबाल इस शेर में ये कहना चाहते हैं, काफला लुट गया, सामान छिन गया, मां कत्ल हुई, बाप जिवा कर दिया गया, भाई गुलाम बन गए, सामान सब खत्म, वाय नाकामी हाय नाकामी, कारवां का सामान लूट लिया गया, सब कुछ छिन गया, कुछ नहीं रहा पास। लेकिन ये कि इस छिनने का एहसास खत्म हो गया, कारवां के दिल से एहसास दिया जाता रहा, नुकसान कितना बड़ा हुआ है, ये एहसास खत्म हो गया। आज मुसलमान मुसलमान नहीं रहा, उसकी गैरत मर गई, उसकी हिस्स खत्म हो गई, उसके आंसू सूख गए, उसका जज्बा ठंडा पड़ गया। उससे कहो आओ मासूम बच्चों की लाशों पर खड़े होकर थोड़ी देर रो ले, कहता है मुझे मुस्कुराने दो, जिंदगी मुस्कुराने का नाम है। उससे कहा जाता है अपने बच्चों की चीखें सुनकर कुछ तो अपने दिल में कराह गम महसूस करो, कहता है जिंदगी लुत्फ उठाने का नाम है। ये हालात हमारे हैं, ये अहवाल हमारे हैं। हाय हम किस सदी में जी रहे हैं, किस जिंदगी में जी रहे हैं। मेरा नबी तड़पते तड़पते दुनिया से चला गया। आज के नौजवानों को माफ कीजिएगा, नौजवानों को क्या कोसें, नौजवानों को क्या कहें। उम्मत के कायदीन का ये हाल है जिनके कांधे पर मिल्लत की जिम्मेदारी है, जिन्होंने नबी की सीरत पढ़ी है, जिन्होंने नबी की सीरत सीखी है। माफ कीजिएगा मेरी बात बुरी लगे तो लगे, मैं कहने के लिए हाजिर हुआ हूं। मिंबर और मेहराब अल्लाह ताला ने जिनको अता फरमाई है, जहां कौम की क्रीम जमा होती है, अगर कोई नौजवान तड़पता हुआ बिलखता हुआ जब वो वीडियो देख लेता है, जब वो सोशल मीडिया पर अपनी किसी फलस्तीनी मां को रोते हुए देखता है और किसी बच्चे को अपनी मां की छाती से सुबकते हुए देखता है, जब वो नौजवान किसी वीडियो में मलबे के नीचे 2 साल की बच्ची को दबे हुए देखता है और फलस्तीनी अपने हाथों से अपनी उंगलियों से
उस मलबे को हटाते होते हैं, नहीं पता बच्ची किधर है, नहीं मालूम किधर है। लाखों टन मलबे के नीचे एक नन्ही सी जान दबी पड़ी है। फलस्तीनी उसे निकालते हैं, उंगलियों से कुरेदते हैं, जब उसके बाल नजर आते हैं उनकी जबानों पर अल्लाह अकबर जारी हो जाता है। बच्ची पूछती है, दुनिया वालों बताओ मेरा जुर्म क्या है, मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है, मेरा मेरा मेरी खता क्या है, मुझे बताओ तो सही। कुरेदते कुरेदते उसका सर निकल आता है। नौजवान उस बच्ची को होंठों से चूमते हैं, वो नहीं पता बच्ची है या बच्चा है। तस्वीर में तो मान तुम नन्ही सी जान नजर आती है। उसके बाद उसे निकालने के लिए पत्थरों को हटाया जाता है, अभी भी टांगे फंसी हुई हैं, बच्ची के हाथ जख्मी हैं, खून से लथपथ है, आंखों पर हाथ रख देती है, चीखने चिल्लाने लगती है। उसके बाद जब उसके वो जिस्म को निकाल लेते हैं तो फिर नारा एक तकबीर बुलंद होता है। ये दर्द भरी तस्वीरें देखकर, ये जख्मों से चूर जिस्म देखकर, ये लहू लहान इंसानी बदन नौजवानों के नहीं मासूम बच्चों के देखकर, जब एक नौजवान मस्जिद के इमाम से कहता है, ए इमाम साहब उन्होंने नाजला पढ़ना शुरू कर दो, कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर लें, कुछ नहीं कर सकते तो यहूदियों के हक में बस दुआ तो कर लें, अर्श पर बैठे अपने मौला को तो पुकार लें, अपने आंसुओं से अल्लाह को तो राजी कर लें। तो वहां से जवाब मिलता है, अभी बद्दुआओं का वक्त नहीं आया, इंतजार करो, ये वक्त नहीं है। और मैं बद्दुआ नहीं कर सकता, उन्होंने नाजला नहीं कर सकता। नौजवान तो इमाम नहीं है, आम पब्लिक का आदमी मिंबर और मेहराब का मालिक नहीं है। ये हालात पेश आए हैं अभी इसी महीने में, इससे पिछले महीने में, क्या दिल टूट के टुकड़े ना हो जाए, क्या दिल फटके रेजा रेजा ना हो जाए। ये हालात हैं, नन्ना सा मासूम बच्चा घर से बाहर खेलने निकला, इसराइली दरिंदों ने पकड़ लिया, पकड़ के बंद किया और 20 भूखे कुत्ते उस पर छोड़ दिए। वो कुत्ते उसके जिस्म से पर नकीले दांतों से वार करते रहे, वो आवाज देता रहा, चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, बिलखता रहा, जमीन पर गिरा, बिना फिर जख्मों की तान नहीं लाया और मौत से न लड़ सका, कुत्तों का मुकाबला न कर सका, दम तोड़ दिया। मां अपने लाल को देखकर सुबक के रह गई, मेरे बेटे तुझे शाबाशी देने के सिवा कोई जुमला मेरे पास नहीं है, तू मेरे सपने तोड़ गया, मैंने तुझे देखकर न जाने कितने अरमान सजाए थे, न जाने कितने कितने मैंने ख्वाब देखे थे। तू जवान होगा, तेरी शादी करूंगी, तेरी दुल्हन लेकर आऊंगी, तू बूढ़ी मां के लिए कल सहारा बनेगा, लेकिन आज क्या करूं, तू मुझे तामिल मुफार खत्ते गया, अलविदा कहकर चला गया। जा जन्नत में पहुंचकर हजरत हमजा से कह देना, मुझे भी प्यास लगी है, पानी चाहिए जन्नत की नहर का। हजरत हुसैन से कह देना, तुमने करबला में अपने बेटों की कुर्बानियां दी थी, हम उनके शाम और फलस्तीन में देकर आ रहे हैं। ये जख्म और ये हालात हमारी नजरों के सामने हो, फिर भी हम कहें चला जाए यहां से, अपनी सूरत को लेकर मुझे बद्दुआ नहीं करनी यहूदियों के लिए, इसलिए कि यहूदी मेरे आका और मेरे दोस्त, मेरे रहबर और मेरे हमदर्द हैं। ये हजरत दाऊद से भी ज्यादा पाकीदा है, ये हजरत ईसा इब्न मरियम से भी ज्यादा तहारत वाला है,
یہ محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ کے رحمت للعالمین ہے. جب رسول اللہ کے صحابہ کو دھوکے سے کچھ قبیلے کے لوگ لے گئے کہ آپ کچھ مجھے ہوئے صحابہ قرآن کے قاری اور حافظ بھیج دیجئے تاکہ وہ دین کا پیغام سنا سکیں, ہمیں دعوت دے سکیں, آپ نے بھیج دیے. آپ عالم الغیب نہیں تھے, نہیں معلوم تھا آپ کو کہ یہ سازش کے تحت لے جا رہے ہیں. راستے میں لے گئے اور لے جا کر بیر معونہ پر دوسرے قبیلے کو بلا لیا اور نبی کے صحابہ کے گلے کاٹ کے قتل کر. دوسرے صحابی جو دور گئے ہوئے تھے انہوں نے لاشوں پر اڑتے ہوئے کوے اور چیلے دیکھی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ میرے ساتھی قتل کر دیے گئے اور یہ بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بے بس لاچار مجبور تنے تنہا صحابہ کے اس طرح قتل ہونے کی خبر آئی تو سیرت گواہ ہے, سنت گواہ ہے, اصحاب قلم گواہ ہیں. امام ابو حنیفہ جن کی آپ ایک ایک مسئلے میں گفتگو مانتے ہو, انہوں نے اجازت دی ہے کہ رسول اللہ کھڑے ہوئے مسجد نبوی میں اور نماز فجر میں سجدے میں جانے سے پہلے رکوع کرنے کے بعد آپ نے چھوڑی پھیلا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھڑے ہو کر مسلمانوں کے اتفاق اتحاد ان کی مدد کی دعا مانگی اور کافروں کے لیے وہ بد دعائیں تھی جس سے زمین ہل جائے اور آسمان تھرا جائے. اللہ کے رسول سے ثابت ہے آپ نے کہا اللہم شدد شملہم ومسجد جمعہم ودمر دیارہم, اے اللہ ان کے گھروں کو ڈھا دے, وخرب بنیانہم ان کے بنیادوں کو ہلا دے, ومحو آثارہم ان کے نشانات مٹا دے, وقتا دابرہم ان کی جڑوں کو کاٹ دے. یہ رسول اللہ نے کہا ان کو ایسے ہلاک کر جیسے تم نے قوم عاد اور ثمود کو ہلاک کیا. اللہم اہلکہم کما اہلکت آدم و ثمود, اللہم زلزل اقدامہم ان کے قدموں کو ہلا. اے اللہ انہیں ایسے ہلاک کر جیسے فرعون اور حمان کو تم نے ہلاک کیا. لیکن آج وہ کہتا ہے نہیں بھائی نہیں, میں نہیں کروں گا بد دعا ورنہ میں ظالم ہو جاؤں گا. تو نبی سے بھی بڑھ کر رحمت للعالمین ہے. داؤد علیہ السلام نے اسی قوم کو جس قوم کے وہ نبی تھے جس کا نام بنی اسرائیل اور آج کی نئی دنیا میں یہود ہے اس قوم پر لعنت بھیجی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. پوچھو اپنے عالم دین سے, پوچھو اپنے حق پرست اماموں سے, حق پرست علماء سے, پوچھو. قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم, لعنت بھیجی گئی. لعنت کیا ہے؟ لعنت بدعا ہی تو ہے, لعنت بدعا ہی تو ہے. کس نے بھیجی؟ داؤد علیہ السلام نے. اور حضرت داؤد سے لے کر ہر نبی ان کم وقتوں پہ لعنت بھیجتا رہا کیونکہ یہ وہ ظالم قوم ہے جس کی ظلم کی شہادت اللہ قرآن میں دیتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق. یہ نبیوں کا ناحق قتل کرتے رہے ہیں, یہ وہ ظالم قوم ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ساتھ منصوبے بنائے. اور ساتویں منصوبے میں کامیاب ہو گئے. ایک عورت کو تیار کیا جو یہودی تھی جس نے خیبر کی فتح کے بعد زہر میں گوشت ڈبویا
और उस गोश्त की बोटी को रसूलुल्लाह के सामने पेश किया। आपको गोश्त बेहद अजीज था, आपने जबान पे रखा, गोश्त की बोटी ने फौरन आपको बता दिया कि मुझ में जहर मिला हुआ है, थूक दीजिए। आपने थूका, एक और सहाबी ने गोश्त की उस बोटी को निगल लिया, वो तड़पने लगे उस जहर के खाते ही, और देखते ही देखते उनकी मौत वाकई हो गई और वो कत्ल हो गए जहर से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को उन सहाबी के कत्ल करने की वजह से, चूंकि आप पर तो असर नहीं हो सका, आपने फौरन थूक दिया था, उन सहाबी के कत्ल होने की वजह से उस औरत का कत्ल किया और कुरान का हुक्म क़िसास नाफिज किया। आज ही हजरत जी होते तो क्या कहते, क्या कहते? यही कहते ना कि औरत का कत्ल जायज कहां है, औरत का कत्ल जायज कहां है, औरत को कैसे मारा जाएगा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन है, उनसे बढ़कर कोई रहीम नहीं हो सकता। लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन अल्लाह के कानून को नाफिज करने आए। हमने सीरत पढ़ी कहां है, हमें सीरत पढ़ने की फुर्सत कहां है, हमने सीरत की किताबों को देखा कहां है। हम तो अपने नबी की सुनी सुनाई बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है हमने। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी कोई बददुआ नहीं की। अरे नादानों, ताइफ में ही तो नहीं की, अपने चचेरे भाई के लिए, आपने अबू लहब के बेटे के लिए बददुआ की और उस बददुआ के जरिए वो हलाक हुआ। बताऊं क्या बददुआ की, सीरत की किताब में लिखा, सीरत तो पढ़ता नहीं। जब अबू लहब के कहने से आपका चचेरा भाई आपकी तरफ उसने हिकारत से थूका और कुरान की आयत का मजाक उड़ाया, आपने कहा ला सल्लित हो सल्लित अलैही कल्बुम मिन किलाब, अपने किसी कुत्ते में से किसी कुत्ते को इस पर मुसल्लत कर दे। ये हर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआ की, इस बददुआ को अबू लहब जानता था, उसी दिन से अपने बेटे की हिफाजत करता था, सफर पे नहीं लेके जाता था। लेकिन जब रसूलुल्लाह ने जो कह दिया वो होना था, बददुआ कबूल हुई, मुल्क शाम की तरफ अपने बेटों को लेकर निकला। रात को जब सब लोग सोए तो अपने साथियों से कहा कि मेरे बेटे की हिफाजत के लिए चारों तरफ तुम इसके सो जाओ, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बददुआ का बड़ा डर है, बड़ा खतरा है, लिहाजा ऐसा ना हो जंगल का कोई जानवर आके मेरे बेटे को मार दे। लिहाजा उसके बेटे के चारों तरफ लोग सोए और उसके चारों तरफ ऊंट बिठाए गए और उनके चारों तरफ घोड़े बांधे गए ताकि उसकी रात को हिफाजत की जाए। लेकिन नबी की जबान से निकली हुई बद्दुआ कैसे कामयाब ना होती। अल्लाह ने एक शेर को हुक्म दिया, जा और अबू लहब के बेटे को आज चीर के फाड़ कर टुकड़े कर दे। लिहाजा वो शेर कुत्ता हुआ आया और उसने आकर सिर्फ अबू लहब ही के बेटे पे हमला किया, किसी को उसने कत्ल नहीं किया। चीर फाड़ कर जब उसकी चीखों की आवाज आई तो शेर उसका खून पीकर फलांता हुआ जा चुका था। अबू लहब ने सर पीटा और कहा मुझे डर था कि मोहम्मद की बद्दुआ नहीं लाएगा जाएगी, मेरा बेटा हलाक हो गया। ये सीरत की किताब में इस खादिम ने पढ़ा है जो आज आपके सामने बयान कर रहा हूं। नबी हरम में 40 दिन तक सहाबा को कुनूते नाज़ला में बद्दुआओं के लिए बद्दुआ करते रहे और सहाबा आमीन कहते रहे। आप मिंबरों में रात से कहो कि अल्लाह के रसूल ने तो कभी बद्दुआ नहीं की। अरे कितनी मशहूर बात आप भूल जाते हो, कैसी मेमोरी है आपकी,
इससे अच्छी तो आम मोबाइल की मेमोरी है। बद्दुआ जब जिब्राइल आए और पहले नंबर पे कदम रखा तो क्या कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसे रमजान के रोजे मिले उसकी मगफिरत ना हो, हलाक हो जाए वो शख्स बूढ़े माँ बाप मिले और जन्नत ना कमाए, हलाक हो जाए वो शख्स आपका नाम आए और दरूद पाक ना पड़े। तो तीनों मेंबरों पर रसूलुल्लाह ने आमीन कहा कि नहीं कहा? ये बद्दुआ पर आमीन है, आपने तो माँ बाप के सताने वाले को बद्दुआ दी। हम कहते हैं दी नहीं कभी। जब ग़ज़वे खंदक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार नमाजें सामने वाले लश्कर की वजह से कज़ा हो गई, ज़ुहर नहीं पढ़ सके, सख्त मुकाबला था, असर नहीं पढ़ पाए, बहुत सख्त जंग चल रही थी, मगरिब नहीं पढ़ पाए, दिफा करना था मदीने का, ईशा नहीं पढ़ पाए। सीरत की किताब अपने ही आलिम की पढ़ लो, माना इदरीस कांदलवी नब्बरल्लाहु मरकदहु की तीन जिल्दों में है। आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह इन लोगों के घरों को आग से भर दे जिन्होंने तेरे नबी को तेरी मुलाकात यानी नमाज से रोक दिया। तो ये बद्दुआ नहीं है। और इसी बद्दुआ के बाद अल्लाह तबारक वताला ने अबू सुफियान के लश्कर पर हवाएं भेजी, ठंडी हवाएं आई, तूफान आया, बर्फीली हवाएं आई, कड़ाके की ठंड, तंबू उखड़ गए, खेमे बिखर गए, हांडियां उलट गई, दिल पलट गए, ऊंट बिलक गए, घोड़े भाग गए, आपस में अफरत तफरी मच गई। खबर आई मोहम्मद रसूलुल्लाह को, आ गई अल्लाह तबारक वताला की मदद। आपने हुज़ैफा बिन यमान को उनके खेमों की खबर लेने के लिए भेजा तो सबके सब भाग चुके थे क्योंकि सब इकट्ठे होकर आए थे, यूनाइटेड नेशन बनाकर आए थे, अक़वामे मुत्तहिदा बनाकर आए थे, तमाम कबीले इकट्ठे होकर आए थे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के आज आपके दिल पे तकलीफ हुई, ऐ मौला मैं नमाज़े ज़ोहर नहीं पढ़ पाया, आज पूरे दिन ये तीरबाजी करते रहे, आज मैं असर नहीं पढ़ पाया, ये खंदक पे आकर खंदक कूदने की कोशिश करते रहे, मैं आज मगरिब नहीं पढ़ पाया, ये मदीने में घुसने की जिद्दोजहद करते रहे, अल्लाह ईशा नहीं पढ़ पाया, ये मदीने के अंदर दाखिल होने का रास्ता तलाश करते रहे, मैं तुझसे दूर रहा, अल्लाह अब इनके घरों को आग से भर दीजिए। इस बद्दुआ के बाद अल्लाह ने तेज आंधियां भेजी और अबू सुफियान का पूरा लश्कर मदीना से भाग खड़ा। अल्लाह जी ने अपना दुश्मन कहे वो हमें दोस्त नजर आ रहे हैं, और अल्लाह जी ने अपना दोस्त कहे अल्लाहु वलीयुल लदीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, अल्लाहु अल्लाह ताला तुम्हारा मौला है, अल्लाह तुम्हारा नासिर है। तो ईमान वालों का अल्लाह दोस्त है, और जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते वो अल्लाह तबारक तआला के दुश्मन है, अदुबी व अदुबकुम, अल्लाह उन्हें अपना भी दुश्मन कहता है और तुम्हारा भी दुश्मन कहता है। अल्लाह तबारक तआला जगह जगह उन्हें कहता है ये मेरे दुश्मन है। लेकिन आज हमारी फितरत ऐसी बदली है कि हमें मुसलमान दुश्मन नजर आते हैं और अल्लाह ताला के दुश्मन हमें दोस्त नजर आते हैं कि मियां साहिब हम जबान भी नहीं खोलेंगे। हम मूसा अलैहि सलाम से भी आगे बढ़े हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से कहा था अल्लाह इन पे आजाद मुसंदत कर दीजिए, वस्तुद अला अमवालिहिम, अल्लाह इन पे मुसल्लत कर दीजिए, हत्ता यरउल अदाब अल अलीम, यहां तक कि ये अल्लाह ताला तेरे अजाब को दर्दनाक अजाब को खुद देख ले। लिहाजा कौम फिरौन पर किब्तियों पर क्या अजाब नहीं आया, चिट्टियों का अजाब आया,
क्या खून का अजाब नहीं आया? और फिर जब वो समंदर के किनारे पहुंचे तो समंदर ने उनको डुबो दिया, और डुबोया ही नहीं, फिरौन को आज तक अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा लाश रखी हुई है जो कयामत तक बताती रहेगी कि अल्लाह के अजाब से ये शख्स दोचार हुआ। हम होते तो क्या कहते, कहते फिरौन के हक में दुआ करो, नहरें इसके हुक्म से चल रही, हवा इसके हुक्म से बह चलती है, ये आसमान से पानी बरसाता है। वही तो कहता था कि हवाएं मेरे हुक्म से चल रही हैं। ये तमहीद मैंने इसलिए अर्ज की कि आज हम में से हर एक का यही हाल हो गया है। जब हम ये बताते हैं कि हमारे मासूम बच्चों का 7 जुलाई से लेकर आज तक, हालांकि 1948 जब से इसराइल वहां पर बसा है, इसराइल मुल्क बना है, उस वक्त से लेकर आज तक वो जुल्म और सितम कर रहा है। उसने मस्जिद अक्सा, क्या अर्ज करूं मस्जिद अक्सा के बारे में, कौन सी है मस्जिद अक्सा? मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जो क़िबला सानी है। एक क़िबला है हमारा मक्का मुअज़्ज़मा, और दूसरा क़िबला है हमारा बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा। कोई मामूली मकाम है? जिस तरह फरिश्तों ने खाना काबा को हजरत आदम के आने से पहले बनाया, ठीक उसके 40 साल बाद मस्जिद अक्सा की बुनियाद फरिश्तों ने रखी, बाद में उसकी तामीरें हुई। ये मकाम जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं फिलिस्तीन, ये वो सरजमीन है जिसको कुरान मुकद्दस में 4 या 5 मकाम पर बरकत वाली सरजमीन कहा गया है। अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसे बरकत की सरजमीन कहा गया है। तकद्दस, जिसे मुकद्दस पाकीज़ा सरजमीन कहा गया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की और हजरत इब्राहिम की हिजरत का जब जिक्र करता है कुरान, तो ये कहता है कि हम लूत को और इब्राहिम को उस सरजमीन पर ले आए जो बरकत की सरजमीन थी। अल्लाह जिसे बरकत की जमीन कहता हो, जहां लाखों अंबिया और रसूल आए हों, और आज भी उसी सरजमीन पे आराम फरमा रहे हों, जिसको मरकज की हैसियत देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शबे मेराज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही अंबिया की इमामत कराई हो, नबी के कदम जहां पड़ जाएं वो सरजमीन मुकद्दस है। अरे मदीना में क्या है, मेरा नबी वहां ना हो तो मदीना में क्या है? उस गुंबद खदरा से मोहब्बत क्यों करते हो? उस सुनहरी जाली से प्यार क्यों है? इसलिए कि वहां आका आराम फरमा है। और मदीने की गलियों से मोहब्बत क्यों है? इसलिए कि वहां रसूलुल्लाह है। तो जरा उस मकाम को देखो कि जहां रसूलुल्लाह की इमामत में जिब्रील की तकबीर के साथ 1,24,000 नबी आपके साथ सजदे में है, जहां जश्न मनाया जा रहा है मेराज की रात, आपके सर पे इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन सैयदुल अंबिया होने का खिताब दिया जा रहा है, जहां आपका बुराक एक चट्टान से बना हुआ है, जहां नमाज की अदायगी के बाद मेहराज लाई जाती है, एक लिफ्ट लाई जाती है जिसके जरिए से सीधे आप अर्शे मुअल्ला तक जाते हैं, आसमानों तक जाते हैं। तो जिस जमीन का कनेक्शन अल्लाह तबारक व तआला से है, वो सरजमीन बैतुल मुकद्दस है। अगर कनेक्शन आसमानों से बैतुल्लाह का है, तो उसी तरह मस्जिद अक्सा और फलस्तीन का। वहां पैदा होने वाले कैसे खुशनसीब, हजरत ईसा की विलादत वहीं, हजरत ईसा की अम्मी की पैदाइश वहीं, हजरत दाऊद वहीं पैदा हुए,
حضرت ابراہیم پیدا عراق میں ہوئے لیکن ہجرت ملک شام کی طرف ہوئی. جب ہم ملک شام کہتے ہیں تو میں یہ بھی آپ کو وضاحت کر چلوں کہ ملک شام کس کو کہا جاتا ہے. ملک شام یہ وہ علاقہ ہے جو آج چار ملکوں میں یہودیوں نے تقسیم کر دیا, جس کو برکت کی زمین کہا جا رہا ہے. وہاں چار ٹکڑوں میں بٹی, ایک یہی فلسطین اور اسرائیل, دوسرا اردن جسے انگریزی میں جارڈن کہتے ہیں, تیسرا سیریا جسے عربی میں شام کہتے ہیں, چوتھا لبنان, اور بھی اس میں کچھ علاقے ہیں. یہ پوری سرزمین برکت کی سرزمین ہے, جس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا, اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر اس برکت کی سرزمین پر نکلیے. لہذا انہوں نے اپنی قوم سے کہا, یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم, اے میری قوم اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو کیا ہے, مقدس ہے. اس لیے اس سرزمین کو ارض قدس کہا جاتا ہے. اس علاقے کو جو حرم کا علاقہ ہے وہ بیت المقدس کہلاتا ہے. لیکن آج اس عظیم سرزمین پر, برکت والی سرزمین پر, جس سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا ہو, اس مسجد اقصا میں یہودی جوتی لے کر بوٹوں کے ساتھ گھس جاتے ہیں, کبھی مسجد اقصا کو آگ لگاتے ہیں, کبھی نمازیوں کے لیے بند کر دیتے ہیں, کبھی مسجد کے اندر فائرنگ کر دیتے ہیں. جب وہاں کے مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے تو وہاں کا مسلمان میری اور آپ کی طرح نہیں ہے, میری اور آپ کی طرح بے غیرت اور بے حس نہیں ہے. ان کے 5 اور 8 سال کے بچے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیتے ہیں, اپنے ہاتھ میں گلیڈ لے لیتے ہیں. دنیا نے انہیں نہتا کر دیا ہے, وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھ سکتے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. 2 شہر ہیں ان کے پاس, مغربی کنارہ ہے یا غزہ کا شہر ہے. یہ شہر چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے. ایک زمانے میں محاصر محمد نے کہا تھا کہ دنیا کو اگر کھلی جیل کہیں دیکھنا ہو تو وہ فلسطین ہے. ادھر مصر ہے, نہیں جانے دیتا. ادھر سمندر ہے, ڈوب نہیں سکتے. ادھر خود اسرائیل ہے, وہ جب چاہتا ہے باڑھ لگا دیتا ہے, جب چاہتا ہے روک دیتا ہے. نہ مزدوری کو آنے دیتا ہے, نہ ضروریات زندگی لانے دیتا ہے. جیل میں گھر جاتے ہیں, ایک طرف نہ ادھر نکل سکتے, نہ ادھر جا سکتے, نہ اردن میں داخلے کی اجازت, نہ لبنان کی طرف جا سکے, نہ مصر میں داخل ہو سکے. جائیں تو کہاں جائیں, کدھر جائیں؟ ترکی میں داخل نہیں ہو سکتے کہ تم تو فلسطین کے رہنے والے ہو, اوپر سے بمباری ہے, ادھر سے بھوکمری ہے, اسپتال زخمیوں سے بھرے ہوئے ہیں, دوائیں ختم ہیں, اور زخمی خنجر اور نیزے کے نہیں, زخم بھی بارود سے جلے ہوئے ہیں, جن میں فاسفورس بم بھی شامل ہیں, جن میں رسائنک ہتھیار شامل ہیں, جن کی جلن سے جسم سڑ رہے ہیں. ایسی صورتحال میں ساری دنیا کے مسلمانوں نے ان سے نظریں پھیر دی ہیں. مصر کا حکمران سعودی حکمران سے جا کے بات کرتا ہے تو عراق اور شام کی بات کر رہا ہے کہ تمہیں اور مجھے اب عراق کی نئی حکومت سے خطرہ پیش ہے. شاہ صاحب کیسے بچیں گے, میں اور آپ کیسے بچوں گا میں؟ لیکن فلسطینیوں کے لیے نہ ایک دوا کی بوتل بھیجنے تیار ہے, بلکہ ابھی تازہ رپورٹ میں احمد آباد گیا تھا تو یہ پتا چلی کہ کچھ لوگوں نے دوائیں بھیجی تو اس کم وقت مصر کی حکومت نے جو اس کے فوجی تھے جو سرحدوں پر بیٹھے تھے 15 لاکھ روپے رشوت لے کر کے دوائیں اندر کر دی. اتنا بڑا ظلم ہے. ایک تو جسم میں سے ہی کٹے ہوئے, خدا کی قسم
मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें एक 12 साल का या 11 साल का बेटा होगा जिसकी एक टांग घुटने से कटी हुई है, खून बह रहा है, बाप अपने बेटे को अपनी बाहों में उठाए हुए है, तड़प रहा है बाप। सिर्फ तस्वीर देखी, बेटा तड़प रहा है, मुझे अपना 16 साल का अपना बेटा याद आया। हाय वाला, अगर ये हश्र मेरे साथ हुआ होता तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाता, मेरी पीढ़ी कैसे बर्दाश्त करती, मेरा खानदान कैसे बर्दाश्त करता। ये फलस्तीन ही के शेर है, ये फलस्तीन ही के जियाले हैं कि जो जख्मियों को देखते हुए भी अल्लाहु अकबर कहते हैं। ये उन्हीं के जिगर कोचे हैं, उन्हीं के दिल है कि अपने भाइयों को जो कल तक क्लास में पढ़े हुए थे। यह तस्वीर किसी नौजवान ने डाली, इधर टेबलों पर कुछ बच्चे बैठे हैं और बराबर में एक सीटें खाली पड़ी है। किस लिए खाली है कि साथी शहीद हो गए हैं, साथी खत्म हो गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं। स्कूल का माहौल सूना है, अस्पतालों पर बम, मस्जिदों पर बम, जमीन पर बम, घरों पर बम। अब तक हजारों मिसाइल इसराइल गिरा चुका है, लेकिन पूरी इंसानियत खामोश है। मुसलमानों को छोड़ो, मुसलमान तो पुर्दा हो चुके हैं, मुसलमान खत्म हो चुके हैं, लेकिन जमीन से इंसानियत भी खत्म। हमें नवाज मिले कुछ हिंदू साहिबान जनसंघर्ष मोर्चा के मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे थे और हमसे कहते थे हम बड़ी रैली कर चुके हैं, प्रोटेस्ट कर चुके हैं, मसला मुसलमानों का नहीं इंसानों का है, मासूम बच्चों की क्या खता है। लेकिन हमें अफसोस ये है मुसलमानों तुम पर कि तुम्हारे कितने मुल्क उनके आसपास हैं, इन मुल्कों को कोई एहसास नहीं। आज तक कोई बयान नहीं आया, आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई, आज तक अकवाम मुत्तहिदा को जो इसके मेंबर है नहीं हिलाया, आज तक सिक्योरिटी काउंसिल को इन्होंने मीटिंग करने पर मजबूर नहीं किया, और अभी भी किसी मुल्क का ये ऐलान नहीं आया। इसराइल ठहर, 1.5 महीना होने को है, 40 दिन होने को है, खून की नदियां बहनों को है, अगर तू नहीं ठहरेगा तो फिर हम अपने इन बच्चों को हथियार देने की गलतियां करेंगे जो तेरी तरफ आएंगे, वरना हम अपनी फौजें लेकर आ रहे हैं। याद रखिए मेरे दोस्तों अजीजों, तकरीबन 1932 में ये हुक्मरान जब यहूदियों के तलवे चाटकर जमीन का चंद टुकड़े ले रहे थे, उसी वक्त ये अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुके थे और अल्लाह की रहमत से दूर हो चुके थे। अल्लाह आज इनसे काम नहीं लेगा, आंसू मेरे और आपके कबूल किए जाएंगे। यही जज्बा है जिसने आज इस हॉल में आपको जमा होने के लिए मजबूर किया है। अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो और कुछ क्या करें। मौत नहीं आनी हमें। हाय मेरे अजीजों, क्या कुरान और सुन्नत से पूछा मुसलमान कौन होता है, क्यों जरूरत पेश आई आज इस इजलास की। चंद नौजवानों ने यहां अपने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज ये करना चाहा। मैं कहता हूं कि ये सुन्नत तो नहीं है, शरीयत तो नहीं है, लेकिन अपनी कौम को कैसे बताएं कि तुम्हारे बच्चों पर ये जुल्म हो रहा है, कैसे बताएं माओ तुम्हारे लारो जिगर के साथ ये हो रहा है। तुम उसी बेटे को अपना बेटा समझते हो जो तुम्हारी बीवी की कोख से पैदा हुआ है, तुम उसे ही अपना भाई समझते हो जो तुम्हारी मां के रहम से पैदा हुआ है, तुम उसे ही अपना भाई समझते हो जिसने तुम्हारी मां के सीने से दूध पिया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह से जाकर क्यों नहीं पूछते। वो ये कहते हैं कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह को उसने माना है, वो तुम्हारा सगे भाई से भी बड़ा भाई है। अभी उनवान उमर खेड़ में रखा था लोगों ने, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول اللہ ہمارے سامنے خون کے رشتے عرق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رشتے ہیں امت یہی تو آج بھول گئی یہی تو تاریخ بھول گئی رب ذوالجلال کی قسم اگر آج مسلمانوں کے 55 حکمران ایک میٹنگ کر لیتے اور یہ اعلان کرتے اسرائیل کو وارننگ دے دو 8 دن کے اندر اندر اگر تو نے قتل عام بند نہیں کیا یہ جنگ نہیں ہو رہی ہے معصوم بچوں کا قتل کر رہا ہے ان کے فوجی حاملہ عورت جس کا پیٹ بڑا ہوا ہے اس کے پیٹ میں گولی اتارتے ہیں ماں بھی قتل ہوتی ہے اور ماں کے پیٹ کے بچ میں جو بچہ ہے اس کے اندر جو اس کا سر ہے اس کا بھیجا نکل جاتا ہے دونوں زخم پڑے ہوئے ہیں باہر ماں بھی بچہ باہر نکل آیا ماں تڑپ گئی یہ ہے ظلم و ستم کتا معصوم بچے پر یوں نہیں چھوڑا کہ وہ ذبح نہیں کر سکتے تھے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو 1.75 کروڑ مسلمانوں کو چیلنج کیا انہوں نے کہ تمہارے معصوموں پر ہم کتے چھوڑیں گے ہم تمہارے بچوں کو اس طرح قتل کریں گے اگر یہ 55-56 ملکوں کے سربراہ اٹھ کھڑے ہوتے اور یہ کہتے بہت ہو گیا صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے سن اگر تو باز نہیں آیا تو ہم مدد کے لیے آئیں گے اپنے معصوموں کی اور اگر یہ اپنی سرحد سے ایک بارش کراس کر جاتے خدا ذوالجلال کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اسرائیل اپنے بیرکوں میں فوجوں کو واپس لے جاتا اور مسجد اقصی کی چابیاں بھی تمہارے حوالے کرتے مگر کیا کریں نیچے سے لے کے اوپر تک یہی حال ہے ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ اعلانات کیے کہ اے مسلمانوں کچھ نہیں کر سکتے تو اسرائیل کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کر دو کم سے کم مالی فائدہ تو انہیں نہ پہنچے گا تو کہتے ہیں رسول اللہ کی سنت نہیں ہم تو چاہیں گے کہ چندہ کر کے اسرائیل کو دے دیں اس نے بڑا احسان کیا ہے پیپسی بنائی ہے ہماری روٹیاں گلانے کے لیے ہم 3 روٹی کھاتے تھے جب سے پیپسی آئی ہے تو فوراً گل جاتی ہے 5 کھانے کے عادی ہو گئے ہمارے بڑے محسن ہیں امریکہ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا ہے کہ افغانستان میں خلافت کو ختم کیا ہے ہم امریکہ کا احسان نہیں بھلا سکتے جس نے داڑیوں کو مونڈ دیا ہے جس نے گوانتانامو بے جیل میں مردوں کو ہمارے ننگا رکھا ہے ہم اس امریکہ کا احسان نہیں بلائیں گے جس نے گٹر میں اور ناپاکی میں قرآن کو ڈال دیا ہے ہم اس امریکہ کا احسان نہیں بلائیں گے کہ جس نے کھلے عام ٹیلی جونز کے ذریعے قرآن کو جلایا ہے وہ ہمارا محسن ہے ہم اس سے وقفداری نہیں کر سکتے ہم اس کا پروڈکٹ کوکا کولا استعمال کریں گے ہم تھمس اپ استعمال کریں گے ہم فنٹا ملنڈا استعمال کریں گے ہم سیون اپ اور ہم ان تمام مازا اور ملنڈا کو استعمال کریں گے اس لیے کہ یہ ہمارے محسن ہیں تم نہیں جانتے مولانا صاحب طالبان نے زبردستی داڑیاں رکھوا دی تھی یہ ہمارے محسن بن کر آئے اب ہمیں داڑھی کٹانے کا خوب موقع ملا ہے انہوں نے ہماری بہنوں کو برقع پہنا دیا تھا ان کے آتے ہی ہماری بہنوں کو آزادی مل گئی اب وہ جہاں چاہے چلے جائیں ہمارا محسن ہے امریکہ اس نے عراق میں صدام ظالم کا خاتمہ کر دیا صدام ظالم تھا امریکہ نے ظلم کا خاتمہ کیا ہے ہم اس کیا بنایا ہوا پروڈکٹ استعمال کریں گے اور پیئیں گے اور آپ کو بھی پلائیں گے اور اگر نہیں تو زبردستی آپ پر ہم کریں گے یہ آواز کہیں اور سے نہیں ہماری زبانوں ہمارے دل اور ہمارے دماغ سے آ رہی ہے کہ بھائی کاٹ کر کیوں اعلان کر رہے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو تجارتی نقصان پہنچانے کے لیے مہم شروع نہیں کی اب آپ کہیں گے کب جنگ بدر کس کے نتیجے میں ہوئی ہے
वो काफला जो मुल्क शाम से आ रहा था, अबू सुफियान का तिजारती काफला, जिस पर माल था, जिस पर गल्ला था, जो मक्का मुअज्जमा जाना था, और उस माल के जरिए से फिर हथियार खरीदे जाने थे, और उन हथियारों के जरिए मदीना पर अटैक करना था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, इससे पहले कि अबू सुफियान इस माल तिजारत को वहां मक्का लेकर जाए और ये उसके जरिए हथियार खरीदे और फिर मदीना पर आए, आप 313 अपने सहाबा को लेकर आए, जिसमें मुहम्मद और मास जैसे नौजवान बच्चे भी आए, जिसमें हजरत अफरा जैसी माँ भी आई, हमजा भी आए, अली भी आए, उमर भी आए रज़ियल्लाहु अन्हुम, और इन सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू सुफियान जो तिजारती सामान लेकर आ रहा है उस तिजारती सामान को छीनना है, और फिर अबू जहल को बताना है कि इस माल से हम खरीदेंगे हथियार, तू नहीं और तेरी औलादें नहीं। इसी काफले को तो बचाने आया था अबू जहल, तो यह क्या तिजारती नुकसान नहीं था? अबू सुफियान को तो पता चल गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह छोड़ेंगे नहीं, इससे पहले भी 800 मरतबा तिजारती काफलों पर वार हो चुका है, इसलिए समंदर के किनारे निकलकर चला गया। अब अबू जहल से जो मुठभेड़ हुई वो इसी के नतीजे में जो हुई, उसने कहा कि अच्छा इतनी हिम्मत, मदीना के लोगों तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे काफले को रोकोगे? आज दो दो चार करके रहेंगे, आज आपका खात्मा करके रहेंगे। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू आइंदा काफला बचाने के लिए आएगा ही, जा। हो गया काम तमाम। कुरान की जिस आयत को मैंने पढ़ा है, सुन ले अच्छी तरह मुसलमान, आज दुनिया के ईसाई अपनी कौम का बदला लेने के लिए सारी दुनिया को तहस नहस कर सकते हैं। अमेरिका 11 सितंबर 9/11 11 सितंबर 2001 उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर चंद लोग मारे गए, उनका इंतकाम लेने के लिए 14 साल से जंग लड़ रहा है, 13वें साल में दाखिल हो गया है। अफगानिस्तान में उसने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी है और ये कहा कि यहां से प्लान तैयार हुआ था, इन्होंने मेरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया है, लिहाजा जबकि उसमें कोई अफगानी नहीं था, एक भी अफगानी नहीं था, वो 19 के 19 नौजवान सबके सब सऊदी अरब के थे, लेकिन उसने कहा कि इनको अफगानिस्तान ने तैयार किया है, एक की नहीं मानी, किसी दुनिया की नहीं मानी, अक्वामे मुत्तहिदा की नहीं मानी, और वहां उतरकर आज तक मुसलसल जंग लड़ रहा है, कत्लो कितार कर रहा है, आबादियां तबाह कर चुका है, जो कुछ उसने 13 साल में किया है वो सारी दुनिया के सामने है। ईसाई आ सकते हैं लेकिन मुसलमान ये नहीं कर सकते, जो वो कर रहे हैं इसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबर को 1450 साल पहले कुरान में दे चुका है कि अगर किसी मुल्क के लोग जुल्म और सितम का शिकार हो और वो वहां से निकल न सकते हो, हिजरत न कर सकते हो, उन्हें सताया जा रहा हो, नौजवान तो हिजरत कर जाएंगे लेकिन औरतें नहीं जा सकती हैं, बच्चे नहीं जा सकते। ये उस जमाने में बस्ती थी मक्का, जिसे आज फलस्तीनी फंसे हुए हैं, उस वक्त अहले मक्का फंसे हुए थे 1450 साल पहले। ताकतवर तो निकल गए, घोड़े पर जीन कसी भाग गए, ऊंट पर कजावा कसा और रात में निकल गए, लेकिन कमजोर बूढ़े बीमार बच्चे औरतें रह गई। अब इन पर अहले मक्का ने जुल्म से सितम शुरू किया, इसलिए कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, तो अल्लाह ने वो आयत नाजिल फरमाई जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है। आयत नंबर अपने हाफिजों से पूछ लेना और जाके तर्जमा तफसीर देख लेना। अल्लाह फरमाता है, मालकुम, सहाबा से कहा जा रहा है, मालकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जंग नहीं करते, वल मुस्तदअफी
الْمُؤْمِنَ مِنَ الرِّجَالِ جبکہ کمزور مرد وَالنِّسَا اور عورتیں وَالْوِلْدَان اور بچے پکار رہے ہیں یقولون کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها اے اللہ اس بستی سے نکال لے جس کے لوگ ظالم ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہیں وہ ظالم قریش مکہ تھے وہ ظالم بنو امیہ تھے وہ ظالم اس زمانے کے کفار تھے آج یہ ظالم یہود ہیں آج یہ ظالم اسرائیل کے لوگ ہیں جنہوں نے زبردستی اسرائیل اپنا ملک بسایا ہے جو باہر سے آئے ہیں 1948 میں جنہوں نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے اس طرح وہاں وہ ظلم کر رہے تھے اللہ کہتا ہے وہ پکار رہے ہیں اور تم مدینہ میں بیٹھے ہو تم جنگ نہیں کرتے ان کے لیے نکلو اور نکل کر جنگ کرو وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جیسے آج فلسطینی کہہ رہے ہیں اے والا ہمارے بیٹوں کے پاس صرف پتھر ہیں اور پتھروں کے رکھنے کے لیے صرف گلیلے ہیں اے والا نہ ہمارے پاس ملبے سے ہٹانے کے لیے کرینے ہیں اپنے ہاتھ اور اپنے ناخون ہیں یا تھوڑے سے پھاوڑے ہیں یا کچھ کچھ تھوڑی سی چیزیں ہیں وجعلنا من لدنك وليا ہمارا اپنے پاس سے کوئی ولی بھیج دے وجعلنا من لدنك نصيرا اے اللہ اپنے پاس سے ہمارا کوئی مددگار بھیج دے جب یہ آیت آئی تو محمد رسول اللہ نے کہا اے میرے صحابہ اب چڑھائی کسی اور طرف نہیں اب رخ کسی اور طرف نہیں عیسائیوں کی طرف نہیں کسی اور قبیلے کی طرف نہیں اب مکہ کے مظلوموں کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے مکہ فتح کیا جائے گا اور محمد رسول اللہ رمضان کے مہینے میں 8 ہجری میں 20 رمضان کو مکہ میں داخل ہو گئے اور اہل مکہ سے کہا لا ہجرت بعد الفتح مکہ والوں اب تمہیں مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے مکہ ہی کو دارالاسلام بنا دیا ہے اگر آج کے حکمران اور آج کے فوجی جنرل اور آج کی مسلمانوں کی فوج جو مسلمانوں کی فوج نہیں ہے کافروں کے قانون کی حفاظت کرنے والی فوج ہے جو باطل کے بنائے ہوئے دستور کی حفاظت کرنے والی فوج ہے یہ مسلمانوں کی فوج نہیں جو اپنے زمین کے ٹکڑوں کی حفاظت کرنے والی فوج ہے مسلمانوں کی نہیں یہ ایک پہاڑی نہیں دے سکتی دوسروں کو ایک پہاڑی کے لیے جو برف کی چوٹی سے ڈھکی ہو اس کی چوٹی اس پہاڑی کو نہیں دے سکتی یہ فوج لیکن یہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے نہیں جائے گی یہ اپنا ایک دریا نہیں دے سکتی یہ زمین کے ٹکڑوں کے لیے ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اگر آج یہ آیت ان کے سامنے ہوتی تو یہ اپنی فوجوں کو لے کر نکل جاتے اور اسرائیل پر چڑھ دوڑتے اور چڑھ دوڑ کر وہاں سے باہر نکالتے اور کہتے آخری جل یہودا و نصارا پہ عمل کیا یہودیوں 1948 میں جہاں سے آئے ہو وہی چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو وہی جاؤ یہ ملک فلسطینیوں کا ہے یہ بیت المقدس ان کا ہے یہ مسلمانوں کا ہے اور کہہ دیتے ہیں فلسطینیوں آج کے بعد تمہیں ہجرت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی مگر کون وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے ملک کے قانون کو مانیں گے اس کے لیے چاہے ہمیں 3 یا 10 جنگیں لڑنی پڑ جائیں مسلمان پکار رہے ہیں نہیں جائیں گے ایسے میں آپ سوچتے ہو گے ہم کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں میرے دوستوں فی الحال تو کوئی راستہ نہیں لیکن کچھ کام ہیں جو ہم ہی کر سکتے ہیں ہم اللہ کے سامنے رو کر مدد کی دعا کر سکتے ہیں ہم یہودیوں پر لعنت بھیج کر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی دعا کر سکتے ہیں اس لیے کہ مظلوم جب دعا کرتا ہے تو مظلوم کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں حضور نے فرمایا کہ نہیں اتقی دعوت المظلوم مظلوم کی دعا سے بچو مظلوم دعا کرے گا کہ بد دعا کرے گا
दुआ करेगा अपने दालिम के हक में कि अल्लाह इसे और दे दे ताकत जो मुझे कल को और मारे। मजलूम की बददुआ से बचो, उसे कोई आसमान का दरवाजा नहीं रोक सकता, वो डायरेक्ट अल्लाह के अर्श के पास जाती है। तो ये तसव्वुर मत करो कि फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। अगर आप किसी बेटे के बाप हो, अगर आप किसी बच्चे के बाप हो, अपनी बिटिया और अपनी नन्नी मासूम औलाद को सामने रखकर फलस्तीनियों का गम दुख और दर्द महसूस किया करो। अगर इसके साथ ये हो, इसका टांग कटी हो, मेरी इस बच्चे का बाजू कटा हो और ये मुझे पुकारती हो, अबू मुझे बचा लो, मुझे अस्पताल ले चलो वरना मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा अब्बा, अब्दू जान में मर जाऊंगा, मेरा सर फटा हुआ है, मेरी अंतड़ियां बाहर निकली हुई है, मुझे बचा लो। उस वक्त जितना मैं तड़प रहा होगा, मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतनी कोशिश आज मुझे फलस्तीनी बच्चों और फलस्तीनी बेटों और बेटियों के लिए करना चाहिए, इसलिए कि वो मेरे अपना जिगर कोशा है। और अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे मुसलमान अपने को नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि मैं यहूदी हूँ, इसलिए कि यहूदियों के सीनों में दिल नहीं पत्थर है। अगर मेरे दिल में, मेरे सीने में दिल है तो वो दिल तो तड़पे, दिल तड़पेगा, रोएगा, नहीं कुछ कर सकेगा तो अपने मौला से तो शिकायत करेगा। एक मासूम बच्चा, उसे गली के ताकतवर बच्चे पीट लेते हैं, खुद नहीं लड़ पाता, मां को आवाज देता है, बाप को आवाज देता है, सड़क चलते राहगीर से कहता है मुझे इन बच्चों से बचा लो। हम अगर हुक्मरान हमारी आवाज नहीं सुन रहे, फौजी जनरल हमारी आवाज नहीं सुन रहे, खुलकर कह रहा हूं ये पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था, जिसके नारे लगे थे ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह 67 सालों से वो कुछ अंजाम नहीं दे रहा। इसे हालांकि अल्लाह ने बनाया तो इसलिए था कि 1948 में इसराइल को बनना था, इसराइल के बनने से पहले शबे कद्र में जुम्मतुल वदा को शबे कद्र में ये टुकड़ा अल्लाह ने ममलकत खुदादार मुसलमानों को दिया था, इसलिए कि कल इसराइल एक साल के बाद बसने वाला है, ये इसराइल से जाकर के मुकाबला करेगा। आज उसके पास एटम बम है, एटमी ताकत है, उसके पास फौज है, मगर वो फौज खिलाफत इस्लामिया को तोड़ने के लिए है, वो फौज अमेरिका का साथ देने के लिए है, उसकी वो फौज वजीरिस्तान में बम बरसाने के लिए है, उसकी फौज लाल मस्जिद को लहूलुहान करने के लिए है, उसकी फौज फाटा के इलाकों में मुसलमानों की मस्जिदें ढाने के लिए है। ये मुल्क आज अपनी असलियत खो बैठा है। खुदा की कसम, अरब का कोई हुक्मरान ना उठता, ये अकेला ही अगर इसराइल की आंखों में आंखें डालकर ये कहता कि जंग बंद कर वरना हम आ रहे हैं टर्की के रास्ते से तुझे सबक सिखा देंगे, तो फलस्तीनियों को आज नहीं बल्कि 3 दिन के अंदर ही अमन व अमान मिल जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं फलस्तीनी भाइयों की मदद? आप मदद सिर्फ इस तरह कर सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल के जो यार और दोस्त हैं, दुनिया भर के ईसाई, उनकी बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल न करें। जानते हैं आप, पेप्सी का 1-1 रुपया इसराइल को जाता है, कोका कोला अमेरिका की है, ये ब्रांड है जिसने सारे ठंडे पूरी दुनिया में बनाए हुए हैं। दुनिया भर में आप मुसलमानों को लगाओ कितनी आबादी है, इस मुल्क में आप कहते हो कि आप 25 करोड़ हो, 25 करोड़ में से आप 15 करोड़ को छोड़ दीजिए, 10 करोड़ लोग अगर रोजाना पेप्सी पी रहे हो तो कितना रुपया रोजाना उनके अकाउंट में जा रहा है। खाली पेप्सी नहीं, कोका कोला और ये सारे ठंडे उनके हैं, कोलगेट उनका है, लक्स उनका है,
हिंदुस्तान लीवर से उनका ताल्लुक है, ये उनका है। हदीस जो बन रहा है वो इनका है। अगर सारी दुनिया के मुसलमान इन संडों को छोड़कर अपना बना लें या अपने मुल्क का इस्तेमाल कर लें, अपने इलाके की चीजें इस्तेमाल कर लें, तो रोजाना करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। और अगर ये फैसला हमने 10-20 साल के लिए कर लिया तो वो हथियार कहां से लाएगा? सबसे बड़ी मार इक्तिसादी मार होती है, आर्थिक मार होती है। पैसा हमारा, पैसा अरबों का, तेल हमारा, उनका स्पिरिट हम पी रहे हैं, उनकी शराब हम पी रहे हैं, उनका अल्कोहल हम पी रहे हैं, उनके खिंजीर की मिलावट की चीजें हम खा रहे हैं और पी रहे हैं। तो फिर हमारी गैरत क्यों नहीं मरेगी? हमारा ईमान कमजोर क्यों नहीं होगा? हमारी हिस खत्म क्यों नहीं हो जाएगी? हमारे जज्बात ठंडे क्यों नहीं हो जाएंगे? आज इस मजमे में अगर इस जलसे को कामयाब करना है और अपनी आखिरत को तबाही से बचाना है, जहन्नम के शोरों से बचाना है, फलस्तीनी मजलूमों की आहो फुगा से बचाना है, रसूलुल्लाह की अदालत में खड़े होकर मुजरिम होने से बचाना है, अल्लाह की अदालत में यहूदियों का दोस्त बनने से अपने आप को बचाना है, तो आज अहद करो कि अमेरिका और इसराइल की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो ठंडे वगैरह हमने अब तक पिए हैं अनजाने में उनसे तौबा करते हैं, और आइंदा के लिए न खरीदेंगे, न बेचेंगे, न पिएंगे, न पिलाएंगे। क्या इसके लिए आप हाथ उठाकर दाई कर सकते हैं? इंशाल्लाह ये अहद है और वादा है। इसराइल को पता चलना चाहिए कि फलस्तीनी तनहा नहीं है। हिंदुस्तान के आखिरी किनारे तक कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, बंगाल से लेकर के गुजरात तक, हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस जख्म को अपना जख्म समझता है, इस निस्तर को अपने सीने में चुभा हुआ एक खंजर समझता है। वक्त का इंतजार है। इंशाअल्लाह तेरी चीजों को तुझसे नफरत करते हैं। हमसे अल्लाह ने कहा है ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ऐ लोगो यहूदियों को और ईसाइयों को दोस्त न बनाओ। मिन दूनिल मुमिनीन एक जगह फरमाया गया मोमिनों को छोड़कर दोस्त न बनाओ। दोस्ती करने के लिए मोमिन काफी हैं, दोस्ती करने के लिए मुसलमान काफी हैं। अगर पूरी दुनिया में ये आवाज लगे हम कोई नई बात नहीं कर रहे, बात इंसाफ पसंद ईसाइयों ने भी उसकी चीजों का बायकॉट किया है, सिखों ने किया है, हिंदू धर्म के मानने वालों ने किया है, हमारे मुल्क में बहुत से लोगों ने एहतजाज किया है। हम करें तो हमें अज्र दुनिया में भी मिलेगा और हमें अल्लाह तबारक वताला के अजाब से पनाह मिलेगी। इसलिए हम इस बायकॉट के साथ साथ हम अपने फलस्तीनियों के लिए दुआ करें। मस्जिदों में इज्तिमाई नहीं कोई करता तो तनहा दुआ करे, रोकर दुआ करे, और अपने घरों में एक कैंपेन चला दे, अपनी बहनों को बता दें ये चीज नहीं खरीदनी है, ये चीज हमें खरीद कर नहीं लानी है। नौजवानों से मेरी अपील है जैसे आपने ये पोस्टर लगाए हैं, आप तहकीक करके, आप गूगल पर जाकर तहकीक करके एक पोस्टर ऐसा भी लगाएं उस पर लिखें बायकॉट और उसके नीचे इसराइल की जो चीजें हैं जो हमारे आम आदमियों को पता नहीं है उनको पता चल जाए कि किलो सब भी इसराइल का है और फुला फुला चीज है, ताकि जो बचने वाले हैं कम से कम वो बच सके, जो न बचे वो इस अदालत में नहीं वो तो अल्लाह की अदालत में जवाब दें। थोड़ी सी दोस्तों मैं तारीख का आपके सामने हवाला रखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये चंद आंसू जो इस वक्त तपके हैं ये रायगा नहीं जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल कबूल फरमाएगा। इसराइल कैसे बसा और किन हालात में उन लोगों ने हमें किया? यहूदियों ने साजिश की कि मुसलमानों की हुकूमत खत्म करनी है, उनकी खिलाफत खत्म करनी है,
1914 से लेकर 1918 तक जंगे अजीम लड़ी गई। इसमें एक तरफ खिलाफत उस्मानिया थी, तुर्की की खिलाफत, और दूसरी तरफ ये ईसाई और यहूदी थी। बिलाफिर तकरीबन 400 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 400 साल मामूली नहीं होते, 400 साल तक खिलाफत मुकाबला करती रही, लेकिन वही अपने अंदर की कमजोरियां जाहिर हुई। और 1918 में जब जंग अजीम खत्म हुई तो खिलाफत उस्मानिया बहुत कमजोर हो चुकी थी, कर्जों से घिर चुकी थी और कर्जों का बोझ और उसके इलाके छीन लिए थे। कुछ इलाके बरतानिया ने छीन लिए और कुछ इलाके फ्रांस ने छीन लिए, लेकिन अभी भी किसी हद तक बाकी थी। लेकिन इसे भी खत्म करने का मंसूबा चल रहा, इसे भी बाकी नहीं छोड़ना है। यही वो जमाना था कि जब बरतानवी फौजें हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों से लड़ रही थी। यही वो जमाना था 1857 कि शामली के मैदान में जंग हुई थी। यही वो जमाना था 1757 18वीं सदी कि नवाब सिराजुद्दौला ने बंगाल में जंग लड़ी थी। यही वो जमाना था 18वीं सदी का आखिर कि जब 1799 में सुल्तान टीपू ने मैसूर में जंग लड़ी थी। मकसद था खिलाफत को तोड़कर पूरी दुनिया पर यहूदी हुक्मरानी करें। और बिलाफिर 1924 में यानी 20वीं सदी के 24वें साल में जो पिछली सदी गुजरी है उस सदी में खिलाफत टूट गई। और खिलाफत के टूटने के बाद अब इन्होंने उस खिलाफत के पास जो सरजमीन थी उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये इलाका जिसे मैंने अभी आपके सामने कहा है, शाम और इराक और जॉर्डन और ये फलस्तीन, शाम के चार टुकड़े किए और बीच में दीवारें कायम कर दी। साइकस नाम था बरतानिया के वजीर खारजा का और पीको नाम था फ्रांस के वजीर खारजा का। इन दोनों ने बैठकर जो अरब की सरजमीन को बांटा, शाम की और इराक की जो सरहद बनाई उसे साइकस पीको कहा जाता है, इन्होंने बिल्कुल तकसीम कर दिया। और उसी दरमियान यहूदियों को फलस्तीन के इलाके में बसाना शुरू कर दिया। यहां तक के 1948 में इसराइल ने ऐलान कर दिया, गालिबन 14 मई 1948 है कि इसराइल ने कहा अब हम एक मुल्क हैं, हम एक हुकूमत है, हम एक आजाद मुल्क हैं, हमें सारी दुनिया तस्लीम करे। तो सबसे पहले तस्लीम करने वाला रूस था। रूस ने तस्लीम किया, चीन ने तस्लीम किया, फ्रांस ने तस्लीम किया, बरतानिया ने तस्लीम किया, कुछ अरब ममालिक थे जिन्होंने तस्लीम नहीं किया। यही वो वक्त था कि जब फलस्तीनियों से उनकी जमीन छीनकर बिल्डोजर चला दिए गए और इसराइल की बस्तियां बसा दी गईं। आज भी फलस्तीनी वहां कैंपों में रहते हैं। उसके बाद सारी दुनिया के यहूदियों को दावत दी गई। उस वक्त उनकी आबादी 6% थी, आज उनकी आबादी 66% हो गई। उसका गिराव बढ़ता ही चला गया, आगे बढ़ता चला गया, यहां तक कि इसराइल के की जो पार्लियामेंट है उसकी पार्लियामेंट पर जो नक्शा लगा हुआ है उस नक्शे पर लिखा है कि ए इसराइल तेरी सरहदें नहरे फुरात तक हैं और इधर मदीना की पहाड़ी तक है। अभी भी वो ये नहीं मानते कि हमारा इसराइल मुल्क पूरा हो गया। उसके फ्लैग पर, झंडे पर दो नहरें बनी हुई हैं। उन नहरों से इशारा है इराक की तरफ, इशारा है मिस्र की तरफ कि मिस्र भी हमारा है, इराक भी हमारा है। वो आगे मंसूबा बनाते हैं आगे बढ़ने का। लिहाजा
1956 में उन्होंने गौलान की पहाड़ियां छीन ली मुल्क शाम से, लुबनान का इलाका छीन लिया लेबनान से, और अरबों से अरबों का और इलाका छीना इसराइल और बड़ा हो गया। 1967 में उन्होंने बैतुल मुकद्दस जो उनके कब्जे में नहीं था, मस्जिद अक्सा जो उनके कब्जे में नहीं थी, वो मुसलमानों से छीन ली और कहने लगे हम इसे अपनी राजधानी बनाएंगे, तल अवीव को नहीं, वो मस्जिद अक्सा जहां पर कायम है वहां राजधानी बनाना चाहते हैं, और मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई का काम शुरू है, वो उसे ढाने की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। 1978 में अनवर सादात जो मिस्र का सदर था, उसने पहला कैंप डेविड मुआहदा किया यहूदियों से, और इस मुल्क को तस्लीम करने वाला ये पहला मुल्क था जिसने कहा कि अब इसराइल एक मुल्क है। अभी तक उसे मुल्क नहीं माना जाता था, जालिम गासिब लुटेरा और डाकू कहा जाता था, जैसे हम अपने मुल्क में रहने वाले अंग्रेज को कैसे अपना मुल्क दे सकते थे, हम इसे डाकू और कातिल कह के सदियों तक लड़ते रहे। इसी तरह अरब नहीं मानते थे, लेकिन 1978 में कैंप डेविड मुआहदा हुआ और उसके बाद यासिर अराफात जो इसराइल ही फलस्तीन ही का रहने वाला एक शख्स था, उसे यहूदियों ने अपनी एक लड़की पेश की और उसकी जुल्फों का शिकार होकर उसने ओस्लो मुआहदा किया, यानी मस्जिद अक्सा बेच दी। मस्जिद अक्सा के तीन हिस्से किए गए, एक जेरे जमीन हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा, एक ऊपर का हिस्सा। उन्होंने कहा कि तुम्हें कौन सा चाहिए, तो यासिर अरफात ने कहा हमें बीच का हिस्सा दे दो, जेरे जमीन तुम ले लो, ताकि वो सुरंगें खोदते रहे और एक दिन मस्जिद अक्सा को ढा ले। इन यहूदियों का मंसूबा यह है कि मस्जिद अक्सा को ढाना है हमें। उनका ईमान ये है कि ये हमारा जो हैकल सुलेमानी था, जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, वो टूटा हुआ है, वो 40 ईस्वी से टूटा हुआ है। टाइटस ने जब से तोड़ा है तब से उसे हमने नहीं बनाया है, वो कभी हजरत उमर ने तामीर किया है, कभी दूसरे बादशाहों ने तामीर किया है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के लोग ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह हमें राम मंदिर को बनाना है, बाबर ने राम मस्जिद मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, हमें हर हाल में यहां अपना मंदिर बनाना है, और एक दिन उन्होंने उसे तोड़ के खत्म कर दिया था। इसी तरह यहूदी ये कहते हैं कि हमारा हैकल सुलेमानी 40 से टूटा हुआ है, इसलिए हम अब इसको तोड़कर उसी नक्शे पर बनाएंगे जिस नक्शे पर हजरत सुलेमान ने बनाया। और एक पत्थर है जिस पत्थर को पर बैठकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सर पे बादशाहत का ताज बांधा गया था, फिर हजरत सुलेमान के बांधा गया था, और यहूदियों के और बादशाहों के बांधा जाता था। वो आयरलैंड में पहुंचा और आज वो इंग्लैंड में है। वो कहते हैं कि इस पत्थर को लाकर हम फिर यहीं लाएंगे, और जब ये हैकल सुलेमानी बन जाएगा तो हम मसीह दाऊद जिसका जिसे हम दज्जाल कहते हैं, उस मसीह दाऊद की यहां बिठाकर ताजपोशी करेंगे, और फिर पूरी दुनिया में हम मुसलमानों का कत्ल करके खात्मा करके एक बहुत सुपर पावर दुनिया में अपनी हुकूमत बनाएंगे, जिसमें ना ईसाई हुक्मरानी कर रहे होंगे ना मुसलमान। ये उनका मंसूबा है, जिस मंसूबे पर वो अमल कर रहे हैं, जिसका पता भी मुसलमानों को नहीं है। इसी मंसूबे के तहत वो वहां पहुंचे हैं और आज तक वही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दुनिया के हालात देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हालात भी बदल रहे हैं। ये जालिम कौम जो अपने जुल्म पर उतरी है, इसके खात्मे का वक्त आ गया है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही के हाथों इनका कुल्ली खात्मा होना है। इन पे हवाएं नहीं आएंगी, इन पर प्लेग नहीं आएगा, ये जमीन में नहीं धंसेंगे,
ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के साथ मिलकर इनका कत्ल होगा, इनका सफाया होगा। मैंने हदीस पहली दफा आपके सामने पेश की थी जब आया था कि ये पेड़ों के पीछे छुपेंगे, ये पत्थरों के पीछे छुपेंगे, ये मकानों की बुनियादों में छुपेंगे। ज़रकत का पेड़ सिर्फ इनको बचाएगा, उसे ये लगा रहे हैं। वो वक्त इंशाल्लाह अन करीब आने वाला है। ये इराक की तरफ बढ़ना चाहते थे लेकिन अब इराक में घुस कर दिखाए। ये मुल्क शाम की तरफ जाना चाहते थे लेकिन शाम इन्हें नहीं मिलने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक तरफ अगर हमें फलस्तीनियों के कत्ल का गम है तो दूसरी तरफ इस्लामी खिलाफत और इस्लामिक स्टेट के आने की खुशी भी है कि अब इराक से लेकर मुल्क शाम तक अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सरजमीन अहले हक के हाथों में दे दी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया पर हुक्मरानी करने के उसूल जानते हैं। और दियारा से लेकर हलब तक अल्लाह की शरीयत नाफिज है, इस्लामी अदालतें लगी हुई हैं। आप धोखे में मत आइए, आप मीडिया और यहूदियों के धोखे में मत आइए, आप किसी के कहने में मत आइए। ये वो खिलाफत है जिसका वादा अल्लाह ने अपने नबी की जबानी किया है, अपने कुरान में किया है। इसलिए कि कयामत के करीब हजरत महदी रज़ियल्लाहु तआला का लश्कर मुल्क शाम में होगा और हजरत ईसा मुल्क शाम ही में उतरेंगे। यही दज्जाल के लश्कर से मुकाबला होगा और दज्जाल यहीं से हजरत ईसा को देखकर भागेगा तो इसराइल जाएगा, इसराइल के लुद गेट पर जाएगा। जहां लुद गेट है वहां आज इसराइल ने अपना फौजी हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। इसी हेडक्वार्टर पर हजरत ईसा दज्जाल का कत्ल करेंगे। 100 साल होने को जा रहे हैं, 100 साल होने को जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2014 आ गई, 1914 में जंग अदीम शुरू हुई थी, 18 में खत्म हुई थी। 100 साल में जमाना पलटता है, वक्त बदलता है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर 100 साल में एक मुजद्दिद आता है। इन्ना अल्लाह यबअसु अला कुल्ली रासिमिया मन युजद्दिदु लहा दीनहा। 100 साल के बाद एक ऐसा मुजद्दिद आता है जो दीन की तजदीद करता है, ओरिजिनल असली बिल्कुल असली दीन को पेश करता है। क्योंकि दीन पर जो गर्दोगुबार आ जाता है, जो बिदअतें आ जाती हैं, जो खुराफात आ जाते हैं, जो रस्म व रिवाज आ जाते हैं, जो कुफ्र से मोहब्बत आ जाती है, जो आपस में शरीक हो जाते हैं, वो सब धूल झाड़ देता है वो मुजद्दिद आकर। लिहाजा 100 साल पूरे होने को है तो इंशाल्लाह निजाम आलम बदलने को है और बदलेगा। कहां कहां रोकोगे? ईसाई कहते हैं कि जमीन पर इस्लामी खिलाफत को नहीं आने देंगे। तुम्हारे हाथ में है आसमान, तुम्हारे हाथ में है जमीन। आज नाइजीरिया की सरजमीन पर बोको हराम ने इस्लामिक स्टेट का ऐलान कर दिया है और जितनी सरजमीन उनके कंट्रोल में आई है उन्होंने कहा है कि अब यहां अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत के मुताबिक फैसला होगा और कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला होगा। जा जाकर के रोक ले, ये ऐलान तो तुझे अब दुनिया के हर खित्ते से नजर आएंगे। अभी चंद दिनों पहले लीबिया में ऐलान हुआ है और उसके साथ ही यमन में ऐलान हुआ है, इराक और शाम में ऐलान हुआ है। मैंने कल अर्ज किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो साइकिस पीको वाहिदा जो 1932 में हुआ था कि जब शाम और इराक को तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रमजान से पहले जब शाबान आया है तो शाबान में अल्लाह तबारक व तआला के शेरों ने साइकिस पीको को अपने बिल्डोजरों से उसकी सरहदों को तोड़कर कह दिया कि अब शाम इराक आ सकते हैं।
और इराकी शाम जा सकते हैं, और जैसे ही मौका मिलेगा इन चारों मुल्कों को एक करके वही शाम बनाएंगे जो शाम कुरान में है, जो शाम सुन्नत में है, जिस शाम में हजरत मेहदी को आना है और जिस शाम में हजरत ईसा को नाजिल होना है। पूरा बातिल छड़बड़ा रहा है, इस्लाम और मुसलमान रूल ना करने लगे क्योंकि मजा पड़ गया है तेल पीने का। सारा तेल अरबों का चूस लिया, सब कुछ खरीद लिया, होटल, हवाई जहाज, एटमी रिएक्टर, ये सब चल रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अब उम्मत के खजानों को डाकू बहुत दिनों नहीं लूटेंगे। वो जो मिसाल मशहूर है कि कुम्हार से तो बनी नहीं, गधैया के कान ऐंठ दिए। इराक और शाम में तो जा नहीं सकता इसराइल, फलस्तीनी कमजोर थे इसलिए उन पर कत्लेआम कर रहा है, लेकिन मैंने तो दर्द बयान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 40 और 46 दिन की इस जंग के बाद भी फलस्तीन के किसी रहनुमा का, हमास के किसी लीडर का, न इस्माइल हानिया का, न खालिद मशर का कोई बयान ऐसा नहीं है जिसमें वो हौसले टूटे उनके नजर आते हो। वो ये कहते हैं कि इसराइल अगर सुलह होगी तो हमारी शर्तों पर होगी, तुझे हमारी सरजमीन से निकलना होगा, वरना वो सुरंगे हमने किसी और के लिए नहीं तेरे ही कब्रिस्तान के लिए बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद गुनेलों से, चंद पत्थरों से, चंद अपने हाथों के बनाए हुए रॉकेटों से उन्होंने इसराइल का मुंह सीधा कर दिया है और उसके टैंकों का रुख मोड़ दिया है। 138 उसके फौजियों को जहन्नम में भेजकर वासले जहन्नम करके सुलह के लिए कुहार लगाने पर मजबूर कर दिया है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है अगर उम्मत ने इस जंग में अपने भाइयों का आंसुओं से साथ दिया, इस जंग में दुश्मनों का भाई काट करके माली नुकसान पहुंचाकर अपने भाइयों का तआवुन किया, तो वो दिन दूर नहीं है जब अल्लाह तबारक व तआला किसी मर्द मुजाहिद को, किसी शेर इस्लाम को, अल्लाह तबारक व तआला किसी अपने खास नुमाइंदे को इस शान के साथ भेजेगा कि उम्मत मुस्लिमा फिर यह कहती नजर आएगी कि आ गया सलाहुद्दीन अय्यूबी, फिर से आ गया, और फिर से ईसाई ये कहते नजर आएंगे कि मुसलमानों ने पहले 1000 साल के बाद सलाहुद्दीन की वजह से जंगे सलीबी में हमें शिकस्त दी थी, तो फिर दूसरे 1000 साल 21वीं सदी के 14वें या 15वें साल में मुसलमानों को फिर बुरा रहनुमा मिल गया, वरना इनकी क्या औकात थी कि ये अपना पेट्रोल हमसे छीन लेते, इनकी क्या औकात थी कि ये हमारी मंडियों पर ताला लगा देते। आप दुआएं कीजिए, रोइए, बायकॉट का ऐलान किया है, इकरार किया है, तो इस पर अमल करते रहिए इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह हर दिन हर रोज आपको पता की खुशखबरियां मिलती रहेंगी। अब इस्लाम ने अपनी गर्दन को उठाया है जिससे मेरे आका ने इस तरह फरमाया, वह युल्दिल इस्लाम बिजरान ही फिल अर्ज, इस्लाम अपनी गर्दन उठाएगा और जब चल खड़ा होगा तो रुक नहीं पाएगा। जैसे सहाबा निकले थे समंदरों को रोंदते हुए, आज अमरीका बाज अहले हक मुसलमानों पर जुल्म और सितम करने की बात कर रहा है, जमीन छिन रही है, खत्म हो रही है, इंशाअल्लाह अब मुसलमान दुनिया को फिर से अमन देंगे, दुनिया को फिर से सुकून देंगे, फिर से जिनाकारों को बंद करेंगे, हया के नगमे गुनगुनाए जाएंगे, वफा के तराने गुनगुनाए जाएंगे, दुनिया एक बार फिर वही सिक्का देखेगी जो उनकी हुक्मरानी में चलता था, वही सोना और वही चांदी, वही दिरहम और दीनार फिर उम्मत के पास हाथों में आएंगे। वो दिन अनकरीब है। मैं आपसे यही इल्तिजा करता हूं कि अल्लाह के लिए आपसी इख्तलाफात को खत्म कर दीजिए। हम अपनी जमातों में, तंजीमों में रहकर जो काम कर रहे हैं वो काम अपनी जगह बहुत बेहतर हैं,
लेकिन जब वक्त आ जाए कि किसी महल्ले में आग लगे तो अब मदरसे के मुदर्रिस साहब को भी और इमाम साहब को भी जरूरी बनता है कि उस आग को बुझाने के लिए निकल खड़े हों। जब किसी के चीखने की आवाजें आ रही हों तो फिर नफ़्ल नमाज पढ़ने वाले को भी ये जरूरी बन जाता है कि नमाज अपनी मुकम्मल कर ले या दरमियान ही में कथा करके कम से कम जख्मों से चूर को भेजे। कौन कहता है आप अपना काम न करें, हम सब अपने काम करें, लेकिन जब कोई आलमी मसाइल आए और जब कोई ऐसा इशू आ जाए तो हम अपनी जमातों से ऊपर उठकर, अपनी तंजीमों से ऊपर उठकर इत्तेफाक और इत्तेहाद का सबूत दें और सराफा हम ईमान की अलामत और पहचान बन जाए। इस तरह जिस तरह मेरे आका ने कहा अल मोमिनु लिल मोमिनी कल बुनियान, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है, अगर इस इमारत की एक ईंट उखेड़ोगे तो पूरी इमारत हिलने लगेगी, पूरी इमारत थर्रा जाएगी, जलजला इमारत में आ जाएगा। जिस तरह समंदर में अगर एक पत्थर फेंकोगे तो पूरे समंदर में लहरें उठने लगेंगी, पूरा दरिया हिलने लगेगा। इस तरह दुनिया के किसी खित्ते में अगर किसी मुसलमान की आंख में आंसू आए, उसके तलवे में कांटा चुभे, तो सारी दुनिया के मुसलमान समंदर की लहरों की तरह हिलना शुरू हो जाए और कपकपाना शुरू हो जाए, इंकलाब दुनिया में शुरू हो जाए। इंशाअल्लाह उसी दिन जिब्राइल हमारी मदद को आएंगे। यही ईमान की निशानी, यही अलामत है। अगर इस उंगली में फांस चुभे तो दिल में उसकी कसर महसूस हो, और जब दिल में चुभर महसूस हो तो आंख से आंसू छलक जाए, यही ईमान की अलामत है। न हम जुल्म करते हैं किसी पर, न किसी जालिम के हम हवाले करते हैं किसी मुसलमान को। इस पर जिस दिन हम आ जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जमीन की चाबियां और जमीन के खजाने और बैतुल मुकद्दस की कुंजियां हमारे हाथों में देगा। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह मेरी उम्र में और आपकी उम्र में बरकत अता करे, वो दिन अता करे कि जब हम आज जख्मों के साथ आए हैं कल फतह के जश्न मनाने की शान के साथ दाखिल हों। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करते हैं। اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا رب سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے رب ذوالجلال ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اے کریم تیرے کرم کے محتاج ہیں، اے رحیم تیرے رحم کے محتاج ہیں، اے رب ذوالجلال اے خالق کائنات فلسطینیوں کے حال پر رحم فرما دے، تیرے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، کوئی نہیں جو ان کے جا کر زخموں پہ ایک مرہم کی ڈبیا بھی رکھ دے۔ اے مولا اگر ڈاکٹر ہیں تو صرف انہی کے بچے، اے مولا اگر محافظ ہیں تو انہی کے بیٹے۔ اے رب کعبہ وہ تیرے گھر کی، تیرے گھر کی، تیری عزت کی، تیرے جلال، تیرے انبیاء کی عظمتوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اے مولا انہیں دنیا نے تنہا اور اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اے مولا کریم کوئی ان کے گھروں اور دیواروں سے خون کے قطرے پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب جب تیرے نام کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، تیرے عصر اور حقیقی دشمنوں سے ان کا مقابلہ ہے، جو تیرے نبیوں کے قاتل ہیں، جو تیرے رسولوں کے قتل کے سازشی ہیں، اے مولا اے کریم آقا تو ہی ان کی مدد فرمائے گا۔ جب جنگ تیرے نام کی ہے، جب یہ سارا، جب یہ ساری قربانیاں تیرے لیے ہیں، جب گھر تیرا ہے، جب تیرے نام ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو مدد کو تیرے سوا آئے گا بھی کون؟ اے مولا ان کی مدد فرما۔ ہم تو اجتماعی طور پر صرف تجھ سے فریاد کرنے آئے ہیں، صرف تجھے اپنا دکھوا سکھانے آئے ہیں، تجھے اپنے بچوں کی سوئی ہوئی لاشیں دکھانے آئے ہیں۔ وہ پھول سو گئے جنہیں کھلونوں سے کھیلنا تھا، وہ کلیاں مرجھا گئیں جنہیں چٹکنا تھا، وہ پھول کملا گئے جنہیں مہکنا تھا، وہ نوجوان جان کی بازی ہار گئے جنہیں زندہ رہنا تھا۔ اے مولا کریم ہماری آہوں کو سن لے، انہیں یہودیوں نے ہمیں بانٹ دیا، ہم گرچہ بظاہر آزاد نظر آ رہے ہیں، آزاد کہاں ہیں؟ ہم بھی سرحدوں میں بند ہیں، ہمارے جذبے صرف آزاد ہیں، ہمارے آنسو صرف آزاد ہیں، ہماری آواز
आवाज सिर्फ आजाद है, चलने के लिए तो पांव में बेड़ियां हैं, जाएं तो फलस्तीन कैसे जाएं, जख्मियों को खून दे तो कैसे दे, ऐ मौला एक डबल रोटी का पैकेट दे तो कैसे दे, अपने भूखे बच्चों को एक दूध की बोतल दे तो कैसे दे। रब न हुकूमत हमारी न कोई हमारा, सिवाय तेरे कोई नहीं है, तू ही खुद उनकी मदद को पहुंच जा। ऐ मौला उनके लिए मनोसलवा उतार दे, उनके लिए जमीन से पानी के चश्मे खोल दे। ऐ मौला उनके लिए दुनिया के मुसलमानों के दिलों में हमदर्दी पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह इस्लाम को कोई इस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी अता फरमा दे। हमें नहीं मालूम तू किसको सलाहुद्दीन अयूबी बनाएगा, तेरे यहाँ तो क्या कमी है, तेरे यहाँ कोई खजानों में कोई कमी नहीं, तू चाहे तो ऐ मौला आज भी अबू बकर के जानशीन पैदा फरमा दे, तू चाहे तो आज भी उमर के जानशीन पैदा फरमा दे, तू चाहे तो आज भी अली के रूहानी बेटों को खड़ा कर दे, तू चाहे तो आज भी उस्मान जैसी हया वाले और बहादुर पैदा फरमा दे। ऐ मौला तू चाहे तो आज भी खालिद बिन वलीद की तारीख को दोबारा से दोहरा दे, तेरे यहाँ कुछ कमी नहीं है। ऐ रब्बे काबा बैतुल मुकद्दस को आजादी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह यहूदियों से और यहूदियों के एजेंटों से अब जमीनें छीन ले, अब ताज छीन ले, अब उनके तख्त छीन ले, अब उम्मत के खजानों पर जो डाकू सांप बन कर बैठे हैं, ऐ मौला इनके फन कुचलने के लिए उम्मत को आसाए मूसवी अता फरमा दे। ऐ मौला उम्मत को आसाए मूसवी अता फरमा दे। ऐ रब्बे काबा उम्मत के खजाने उम्मत को दे दे, उम्मत की अमानत उम्मत को दे दे। ऐ किसी दौर के यतीम बच्चों की मीरास को महफूज रखने के लिए खिजर से दीवार को सीधा कराने वाले पाके इला, हमारे यतीमों के खजाने अमरीका लूट गया, यहूदी छीन कर ले गए, जिनके जरिए वो हम पर ही कत्ल-ओ-क़त्ल कर रहे हैं। ऐ मौला उम्मत को ऐसे जियाने ऐसे जवाब अता फरमा जो पेट्रोल के कुओं पर कब्जा कर ले, तेल की रिफाइनरियों पर कब्जा कर ले और कहे ऐ खुदा के दुश्मनों ये माल हमारा है, ये अमानत हमारी है, ये उम्मत की बेवाओं की है, ये उम्मत के यतीमों की है, ये उम्मत के दुखियों की है, ये उम्मत के कमजोरों की है, ये बेरोजगारों की है। ऐ मौला सऊदीया से लेकर ईरान तक, अफगानिस्तान से लेकर के लेबनान तक, इसराइल से लेकर के नाइजीरिया तक, चारों तरफ इस्लामी खिलाफत के बाजुओं को फैला दे। ऐ अल्लाह इसकी फुर्सतों को मजीद से मजीद कर दे। रोज हमें कभी शर्क से कभी गर्ब से कभी जुनूब से कभी शुमाल से, ऐ अल्लाह रोज फुजूहात की खबरें हमें सुना दे। ऐ अल्लाह अपना झंडा ऊंची पहाड़ियों पर लहरा दे। ऐ मौला अपना परचम बड़े बड़े टावर और चोटियों पर और बड़ी बड़ी इमारतों पर लहरा दे। ऐ मौला ये जमीन तेरी है, तू जिसे चाहता है इसका मालिक बनाता है। 100 साल से शराबी और जानी इस जमीन के खजानों को लूट रहे हैं और जिना के अड्डे कायम कर रहे हैं। अब ऐ अल्लाह पाक बाज हाथों को और पाक बाज दिलों को और पाक बाज निगाहों को और पाकीदा जबानों को ऐ रब्बे काबा अब हुकूमत की चाबियां अता फरमा दे। तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, अब उम्मत को बहारों के दिन दिखा। खिजा के दौर देख लिए, पतझड़ का मौसम देख चुके, रोते हुए चेहरे देख चुके। ऐ मौला वो दिन दिखा कि जिस दिन फलस्तीन की गलियों में किसी आज के सलाहुद्दीन का ऐसा ही इस्तकबाल हो जैसा उस वक्त सलाहुद्दीन का इस्तकबाल हो रहा हो। ऐ मौला हवाओं में फायरिंग हो आज के सलाहुद्दीन के इस्तकबाल के लिए, मस्जिद अक्सा में उम्मत के अमीनुल मोमिनीन उम्मत के खलीफतुल मुस्लिमीन खुतबा दे और मौलाए करीम दोबारा से तारीख दोहरा दी जाए। ऐ रब्बे काबा तेरे लिए क्या मुश्किल है कि जब तू फरूजा को और जब तू मौसूल को और जब तू रक्का को और जब तू हलब को अमेरिकियों से आजादी दिला सकता है तो मौला तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ऐ रब्बे काबा जब तू खालिक कायनात
फतूहात देने पर आता है तो खैबर फतह हो जाता है, मक्का फतह होता है, ताइफ फतह होता है, जज़ीरा अरब फतह होता है, पारिस फतह होता है, रूम फतह होता है, अफ्रीका फतह होता है, हिंद फतह कर लिया जाता है। ऐ रब्बे काबा, गुलामी का दौर देख लिया, अब फतूहात के दौर हमें दिखा दीजिए और उम्मत की दुआओं को कबूल फरमा। ये कमजोर मुसलमान जो हर तरह से कमजोर हैं, ऐ अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल फरमा। इस मजमे में जो बच्चे स्कूलों और मदरसों में हैं, ऐ अल्लाह उनकी तालीम को कबूल फरमा, उनको आला नंबरात से कामयाबी अता फरमा। जो बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में सरगर्दा हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर, ऐ मौला उनको रोजगार नसीब फरमा। जिनको आपने रोजगार दिए हैं, ऐ मौला उनके रोजगारों में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमा। ऐ मौला ए करीम, जिनको आपने कारोबारों में तरक्की दी है उनको और तरक्की से नवाज दीजिए, उनको और तरक्की से मालामाल फरमाइए। ऐ अल्लाह जिनको आपने रोजगार दिए हैं उनको तौफीक दीजिए कि ज़कात देने लगे, उनको तौफीक बख्शे कि वो यतीमों मिस्कीनों और बेवाओं और मुसाफिरों की किफालत करने लगे। ऐ खालिक कायनात, जिसने भी दुआ के लिए हमसे कहा, ये कहने का इरादा किया, ये दिल में दुआ कराने की आरजू मछली और तमन्ना पैदा हुई, ऐ अल्लाह उन सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। इस काम की शहर पे रहमत की बारिशें नाजिल फरमा, अबरे करम को इस पे, ऐ मौला अबरे करम का साया पूरी काम थी की सरहदों पर तान कर इस बस्ती को सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा। यहाँ इत्तेफाक और इत्तेहाद मुसलमानों में पैदा फरमा, आपसी झगड़ों से निजात अता फरमा। यहाँ से कुरान की सदाएं बुलंद फरमा, कुरान के तर्जमे तफसीर और उसकी सजाओं को आम फरमा। यहाँ से दावत और तबलीग और यहाँ मदारिस और मकातिब को ऐ मौला कबूल फरमा। यहाँ से काफिले इस्लाम के निकले, शहादतों के जाम पिए और मौला तेरे परचम को लहराएं। ऐ अल्लाह यहाँ से दाई बनकर उठें और इस्लाम की दावत दुनिया को उस तरह पेश करें जिस तरह तेरे नबी ने पेश की थी। इन सब चीजों के लिए हमारा लहू आंसू माल और जान सब कबूल फरमा, अपने फज़्ल करम से कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।